कहानी 18 इज़राइल गो दो बागा में बंटनो। दाऊद राजा 40 साल तक राज करयो। जद वो मर गयो अरबिंगो पुत्र सुलेमान इज़राइल पर राज करनो चालू करयो। परमेश्वर सुलेमान सागे बात करी अर बिने पूछो के वो सारा नालू ज्यादा के चावे है के परमेश्वर बिंगे खातिर करे। सुलेमान परमेश्वर मु मांगयो के बिने बहुत बुद्धिमान बना दे। ई बात परमेश्वर ने खुश करयो। ई खातिर परमेश्वर सुलेमान संसार में सारा नालू ज्यादा बुद्धिमान आदमी बना दियो। सुलेमान बहुत सारी बातां ने सीखियो और वो एक बुद्धिमान राज करन आलो हो। परमेश्वर बिना बहुत धनवान भी बना दियो हो। यरूशलेम शहर में सुलेमान 20 मंदिर ने बनायो जिन्हें बनाने खातिर बिंगे पिता योजना बनाई ही और समान ने इकट्ठो करयो हो। अब लोग मिलाप आला तंबू ने छोड़ के मंदिर में परमेश्वर की आराधना करता है और बिंगे खातिर बलि चढ़ाता है। परमेश्वर आगे मंदिर में मौजूद रहते हो और बैठे वो अपने लोगों से आगे वास करते हो। पर सुलेमान दूसरे देशों की स्त्रियों से आगे प्रेम करो। बने बहुत सी लगभग 1000 स्त्रियों से आगे ब्याह करके परमेश्वर को अनादर करो। इंगे माऊ बहुत सी स्त्रियां पराया देशों मु आई और अपने सागे अपने देवता ले गए आई और बिंगी उपासना करनी जारी रखियो। जब सुलेमान बूढ़ो हो गयो तो बने भी बांगे देवता की उपासना करी। ई वजह मु परमेश्वर सुलेमान सागे गुस्सो हो। बने कहो के वो इज़राइल देश ने दो राज्य में अलग करने के द्वारा बिंगे बिने सजा देवेगो। वो सुलेमान मरने के बाद इं करेगो। सुलेमान मरने के बाद बिंगो पुत्र रहबाम राजा बने। इज़राइल देश का सारा लोग बिने अपने राजा के रूप में स्वीकार करने खातिर एक सगे इकट्ठा होया। बे रहबाम मु शिकायत करी के सुलेमान लोगा मु बहुत औखो काम करवावे हो और बहुत कर वसूलियो हो। बा रहबाम मु विनती करी के वो बंग कनु कम काम करवावे। पर रहबाम लोगा ने बड़ी ही मूर्खता मु जवाब दियो। हे क्यों हो के मेरो पिता सुलेमान थारे कनु ओखो काम करवायो पर मैं थारे कनु भी नालू भी ज्यादा ओखो काम करवाऊंगा और मैं थाने भी मु ज्यादा दुखी करूंगा। जद लोगां बिने इया केन तो सुनियो तो कई लोगां बिंगे खिलाफ दंगो करियो। 10 जातियां बिने छोड़ दियो। बिंगे सागे अब बस 2 जातियां ही बचया। ई 2 जातियां आपने यहूदा को राज्य कियो। बाकी 10 जातियां यारोबाम नाम गए एक आदमी ने आपको राजा बना लियो। ओ जाति देश गए उत्तर पूर्वी भाग में है। बा खुद ने इज़राइल देश को राज्य कियो। पर यारोबाम परमेश्वर गए खिलाफ विरोध करियो और लोगा मु पाप करवायो। बने आप गए लोगा द्वारा उपासना करने खातिर 2 मूर्तियां ने बनायो। बे अब यहूदा गए राज्य में यरूशलेम में परमेश्वर गए मंदिर में बिंगी आराधना करने खातिर कोनी गया। यहूदा और इज़राइल राज्य का शत्रु बन गया और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़न लग गया। इज़राइल गए नया राज्य में सारा ही राजा दुष्ट हा। इंगे माऊ कई राजा बिंगे स्थान पर राजा बन की इच्छा रखन आला अन्य इज़राइलियों के द्वारा मारा गया हा। इज़राइल राज्य का सारा ही राजा और ज्यादातर लोग मूर्तियों की उपासना करी। जद बे इं करो तो बे अक्सर वैश्य गए सागे सोया और अठे तक के कई बार मूर्तियां गए आगे बच्चा बलि भी करया। यहूदा राज्य को राजा दाऊद का वंशज हा। ई राजा मु कई भला आदमी हा जिका न्यायपूर्वक राज करयो और परमेश्वर की आराधना करी। पर यहूदा का ज्यादातर राजा दुष्ट हा। बे दुष्टता सागे राज करयो और मूर्तियां की उपासना करी। अठे तक के इंगे माऊ कुछ राजा झूठा देवता गए आगे आपका बच्चा भी बलि कर दिया। यहूदा का ज्यादातर लोगां भी परमेश्वर के खिलाफ विरोध करयो और अन्य देवता की उपासना करी।